पटना पुलिस को मिली सफलता, तीन अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिहार के राजधानी पटना स्थित बाढ़ थाना क्षेत्र में चार अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति को टेम्पो पर बैठाकर 12,000 रुपया लूटने की सूचना मिलते ही बिहार पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना का खुलासा करते हुए उक्त घटना में संलिप्त तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त टेम्पो और तीन मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसकी पुष्टि बाढ़ के एसडीपीओ ने किया है। यह न्यूज अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दिनांक 3 जून 2024 को वादी रामेश्वर प्रसाद पिता स्वर्गीय राधो सिंह के द्वारा बाढ़ थाना जिला पटना के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात चार व्यक्ति के द्वारा जबरन सीएनजी टेम्पो पर बैठाकर 12,000 रुपये छीन लेने तथा अस्पताल चौक के पास छोड़कर भाग जाने के आरोप में बाढ़ थाना कांड संख्या 383/24 दिनांक 3 जून 24 धारा 392 आईपीसी में दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जाँच पड़ताल, आसूचना संकलन, सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर कांड में शामिल अपराधकर्मी संजीव कुमार, विनोद यादव एवं अनुज पासवान तीनों को नालंदा जिला से गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदेही पर लूट में उपयोग की गई सीएनजी टेम्पो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01PP 6606 एवं तीन स्मार्टफोन को बरामद किया गया है।